सो व्हाट्स अप पीपल, की हाल चाल आप सबकी। आई होप सारे वधिया होंगे। तो आज हम लेके आए हैं अनबॉक्सिंग कैंपिंग का सामान। मैंने ऑनलाइन मंगाया सी ते वो इतने पे है, तुम देख सकते हो थले मैं रखे हुए थे। अनबॉक्सिंग करते हैं जिदा कि कुकिंग सेट वगैरह और स्टोव मैंने मंगाया था, टॉर्च मंगाई थी जो काम आती है उसके लिए, नीचे स्टोव के लिए। तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले उसके पहले अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, थले आके सब्सक्राइब बटन दबा दो, तो कमेंट कर रहे हो अगे, तो लाइक भी जरूर कर दो वीडियो में। तो जो नहीं है पहली बार सबसक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आके इतने होर मैं कैंपिंग का सामान लेके आने वाला हूँ तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो अगर अगर कैंपिंग भी करेंगे तो उस थोड़ा सारा पता लगेगा कि कितना कितना सारी शुरुआत हुई है। तो सब्सक्राइब कर देना कैंपिंग वाली वीडियो देखने के लिए। और टेंट वगैरह स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ मैं लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं आने वाला। दबाओ नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना बेल, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी मेरी वीडियो की। तो जल्दी से शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग, आते हैं आपको, आई होप आपको मजा आएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना बाद में। तो मिलते हैं कुछ सीधे बॉक्स अनबॉक्सिंग के ऊपर। यस गाइस, चलो अनबॉक्स करते हैं एक एक करके। तो पहले तो आया था है स्टोव, पोर्टेबल कार्ड स्टोव टाइप। तो हम जा रहे हैं कैंपिंग करन, तो इतने बड़ा फ़ायदा आएगा। तो रैपिंग चाहिए अमेजोन की, मैं पहले अनबॉक्सिंग करती है थी, थोड़ी थोड़ी ध्यान करके बॉक्स का पूरी जरा खुल गया है। बॉक्स में करते हैं साइड, तो अब इसको खोलते हैं ऐसे करके एंड देखते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है स्टोव, पोर्टेबल सा, खाली कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, तो ये ऐसा है कुछ पोर्टेबल स्टोव, ये खुल जाता है इसके नीचे स्टैंड। ये स्टैंड लाने एकदम टिका के रखना इन, वो स्टैंड है। तो ऊपर ये खुल जाते हैं ऐसे करके, पूरे खुलते हैं ऐसे करके। और तो बिल्ट इन लाइटर है इस विच, ये देखो यहाँ पे लाइटर है, ये अगर आपको दिख रहा होगा करंट जाता है तो ये यहाँ से इग्निशन चालू हो जाता है। और ये है जो गैस का आपने जो सप्लाई देनी है उसको बढ़ाने घटाने के लिए, लीवर यहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं। रेड कलर का है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। अभी मेरे एक हाथ में आ रहा, देखा मेरा हाथ देख सकते हो, तो एक हाथ बड़े आराम नाल आ रहा है। जिधर रखेंगे आप तो कोई हिल भी नहीं रही, देखो ये है रेड कलर का, काफी स्टडी है, मतलब इतना नहीं कि टिला टिला है, काफी सही है। ओके, रिपोर्ट है इसकी, इसको करते हैं साइड में थोड़ा सा। नेक्स्ट जो अनबॉक्सिंग करते हैं वो करते हैं जो स्टोव तो आ गया, पर इसके साथ फ्यूल कहाँ से आएगा। तो फ्यूल की बॉक्स कुछ ऐसी आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है टॉप टॉर्च, टॉप टॉर्च का मंगाया था आप, या फिर हंस का मंगा सकते हो, या फिर किसी और का कंपनी का भी मंगा सकते हो, कोलमैन के भी आते हैं। ये भी कुछ ऐसी पैकिंग में आया था, तो मैंने यहाँ पे इसको अनबॉक्स करके रख दिया है। एक मैंने निकाल लिया था, ये कुछ ऐसा है, दूसरा मैंने निकाला, ये दूसरा कुछ ऐसा है। दो पीस मंगाए थे मैंने दो, तो इस ऐसे कुछ बॉक्स में आते हैं, इसको साइड में रखते हैं। तो नेट वेट है इसका 225 ग्राम कुछ ऐसा है, और इसको लगाना बहुत ही आसान है। फ्लेमेबल है, अजय एयर प्रोडक्ट्स का है ये, इसे प्राइस वगैरह कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, जबकि लिखा भी हुआ है कि MRP बैच नंबर मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर नीचे दिया गया है, फिर नीचे खाली है दोनों में। तो ये एक बड़ी मैं थोड़ा ऑर्डर लग गया, क्योंकि इसमें बताना चाहता कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है एंड इसका MRP जो भी है वो कितना है, पर वो दसया नहीं है, यहाँ पे नीचे पूरा खाली है। तो ये कुछ ऐसे करके निकल जाता है, थोड़ा टाइट है बट ऐसे करके निकल जाता है। सिंपल है, इसको इसमें लगाना बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस जो ये दिख रहे आप कट सा, कट ये लग गया है यहाँ पे, ये देखो इसको पहले यहाँ पे दो कट बने, आप किसी भी बता सकते हो, तो मैच कराना है आपको यहाँ पे कट सा। वो ये देखो ये गया, इसको रोटेट किया बस, और ये लग गया हमारा
ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫਲੇਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਏ ਸੀ ਹਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲੇਮ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਹਟ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਹਵਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੋ ਮਤ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪ ਯੇ ਤੋ ਅਭੀ ਚਲ ਠੰਡਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪ ਜਬ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਰੱਖੇਂਗੇ ਤੋ ਯੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਇਸਕੋ ਹਮ ਅਭੀ ਰੱਖ ਲੇਤੇ ਹੈ ਸਾਈਡ ਮੇਂ ਅਬ ਆਤੇ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਕੁਕਿੰਗ ਸੈਟ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਯੇ तीन कलर में आता है एक तो ये पूरा ब्लैक एक ग्रीन वाला जो मेरे पास है एंड एक आता है ये ऑरेंज कलर में तो यहाँ पे इसका प्राइस जरा लिखा है 2000 लिखा है प्रोडक्ट नेम कुछ नहीं इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं ना प्राइस लिखा है बस प्राइस यही लिखा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP वो तो कोई भी टैग ला दो ना कुछ चीज हैगा चलो सीधे इसको अनबॉक्स करते हैं ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया तीनों चीज़ें अमेजोन से मंगाई हैं अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसके अंदर कुछ नहीं है ये बड़ा है वो कूल सा है मतलब अगर टाइट करके रखना हो तो इसको लगा दो ऐसे करके अदरवाइज को खोल दो ऐसा कुछ है ये तो ग्रीन कलर जो तुमने कहा ग्रीन कलर से मंगाया सी मैं सबसे पहले तो इसको कॉम्पैक्ट देखो कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एक के हाथ में आ रहे हैं ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 inch ਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ 1 inch ਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਸਮੇਂ ਕੁਛ ਆਮਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਹੈ ਕਹੀਂ ਸੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਸੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੈਨ ਹੈ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਤੀਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯੇ ਤਾਂ ਇਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਇਹ ਸੇਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕਦਮ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਟ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਚ ਅਤੇ ਕੁੱਪਰ ਢੱਕਣ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸਪੈਚੁਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਵਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾ ਹੈ ਕਿਊਟ ਸਾ ਹੈ ਇਨਫ ਹੈ ਇਸਕਾ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਯਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਕੁਛ ਤੜਕਾ ਵੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਮੈਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਡਾਲ ਕੇ ਇਸਮੇਂ ਤੜਕਾ ਵੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਗੀ ਮੈਂ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸਕੀ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਕਦਮ ਬੜੀਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਪੰਜ ਹੈ ਧੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਇਨਕੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੜਛੀ ਟਾਈਪ ਇਹ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਮੇ ਇਸ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੜਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਕਟੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਤਾਂ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਬਾਊਲ ਟਾਈਪ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੀਆਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
वो काफ़ी मतलब इतना सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बेकार ना, ज़्यादा सही है। ओके ओके रिपोर्ट है, मतलब कहीं नहीं जाएंगे, इतने ठीक है, टाइट ठीक है, ये स्टडी है इतनी। और आखिर में आता हमारा ये बर्तन जिसमें आप चाय बनाओगे, मैगी बनाओगे, या फिर शायद इसको ढक के ऐसे आप चावल ही बना सकते हो थोड़े से। तो मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ कि कैसे लगता है इसके ऊपर रख के ऐसे। ओके जब हम रखते हैं इसको, तो मैं दूसरे एंगल से कैमरा सेट कर लूँ। तो ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरह फिट आ चुका है, और फिर भी कितनी स्पेस बाकी है यहाँ पे। अब अगर आप बड़ी चीज़ रखें, जो बड़ी रख सकते हो आराम से टिक जाता है इससे, कोई चक्कर नहीं है। ये देखो आराम से फिर कुकिंग कर सकते हो यहाँ पे, ये टॉर्च लगा के ऐसे करके आप चिल मारते हो एकदम। तो काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट, अगर आप लेना चाहो तो मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो यही थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये क्यूट क्यूट से यूटेंसिल एंड जो भी स्टोव वगैरह है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड कमेंट करके बताना को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा इनमें से। अगर तीनों अच्छे लगे तो तीनों बताना, पर ये बताना इन तीनों से सबसे क्यूट कौन सा था, एंड आप सबसे पहले कौन सा लेने वाले हो, या फिर आपके पास कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो वैसे सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, बिकॉज आपको मैंने वैसे स्टार्टिंग में बताया था। और भी ज़्यादा वीडियो आने वाली कैंपिंग पे, और टेंट वगैरह सारे, स्लीपिंग वगैरह सारे लेके आऊँगा मैं। तो ताँग करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन कर दो। 6-5 हज़ार टारगेट पूरा करी, 2 हज़ार हो चुके सब्सक्राइबर। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड बैठ रूम मेक करें।